फ्लोर लाइव देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़ा अपना परिवारक मैंबर मोनू संधी, अज मेरे नाल डेली पोस्ट के सीनियर पत्रकार नरेश शर्मा जी जिहड़े इस वेले स्टूडियो मौजूद आ, जिन्हां नाल असीं फ्लोर के चोण प्रचार को लैके चर्चा करांगे, पंजाब के चोण प्रचार को लैके चर्चा करांगे कि अज जिहड़ा फ्लोर के विच भी आ जां पंजाब दे विच की सियासत दे विच जिहड़ी जंग छिड़ी हुई है, ते विचार वटांदरा करांगे। साडे नाल मौजूद है नरेश शर्मा जी। सत श्रीकाल नरेश शर्मा जी। सत श्रीकाल जी, सारे फ्लोर लाइव देख रहे सारे दर्शकों का सत श्रीकाल, नमस्कार, राम राम जी। अच्छा शर्मा जी, जो गल करिए फ्लोर दे विच भी है जिहड़ा चोण दा खड़ा जिहड़ा उह भख चुकिया है इस वेले, अपने अपने नाम जद पेपर आ जिहड़े कईआं वल्लों भरे गए आ वक्खो वक्ख पार्टियां वल्लों, श्रोमणी अकाली दल वल्लों आ जिहड़ी टिकट आ जिहड़ी उह ऐलान दित्ती गई सी सरदार बलदेव सिंह खहरा दे हक दे विच। पिछले दिनों की जो गल करिए कल दे करीब आ जिहड़ा प्रिंसीपल प्रेम कुमार नूं भी आम आदमी का चेहरा जिहड़ा फ्लोर दे उत्तों उतार दिता गया, तो हुण रह गया आजाद पार्टियां की जा गल करिए आपां कांग्रेस पार्टी की, तो बी एस पी का तो जिहड़ा पहलां ही है श्रोमणी अकाली दल दे नाल गठजोड़ हो चुकिया, तो हुण जिहड़ा फ्लोर दे मुद्दे दे उत्ते जे गल करिए उहदे विच जिहड़े अठ बंदिआं ने दावेदारी पेपर भरे हुए आ, तो तुहानू की लगता भी इस बार जिहड़ा फलोर तो कांग्रेस का बिगल है किधर नूं वधदा नजर आ रहा? मोनू जी, सब तो पहला तो सानूं थोड़ा पिछे झाती मारनी पेगी 2017 से जो चुनाव होए तो उत्थे अकाली बीजेपी सी, आम पार्टी भी सी, कांग्रेस भी सी, तो बहुजन समाज पार्टी भी सी, शो कॉलोनी मुकाबला होया सी। बिल्कुल। तो जे हुण अज 2022 दीआं चोणां दे वल झाती मारीए तो यह जिहड़ा मुकाबला आ पंज कोणां भी हो सकदा है, अकाली बसपा एक साइड ते ने, कांग्रेस एक पासे है, एक पासे भाजपा पार्टी भी जिहड़ी है भारतीय जनता पार्टी भी आ रही है और आम पार्टी भी आ, और पंजवीं जिहड़ी पार्टी है जिहड़ी साडे बिल्कुल नाल लगदे लुधियाणा शहर तों आया लोक इंसाफ पार्टी, उहदे उम्मीदवार भी हैगे आ। उस तो अलावा जिहड़े छोटियां रीजनल पार्टीज ने, कामरेड्स ने, काफ़ी पार्टियां जिहड़ियां ने इस बार जिहड़ा आ चुनाव जिहड़े 2022 दे विच भाग लैण जा रही, और बड़ा ही इंट्रस्टिंग जिहड़ा इस बारी सनैरियो बनन जा रहा वोटां दा, वोटर किस तरफ जाणगे, किहड़ी पार्टी उहनां नूं अपने तरफ खिच्चण च कामयाब रहेगी। जिस तरह तुसीं दस्सिया अकाली बसपा बसपा वाले पहलां ही अपना जिहड़ा आ कैंडीडेट घोषित कर चुके आ, वह पूरी तैयारी अपना जिहड़ा वर्कआउट कर रहे हैं फील्ड के विच बलदेव सिंह खहरा जी। दूसरे पासे रीसेंटली कल ही आम आदमी पार्टी ने प्रिंसीपल प्रेम जी नूं एक टिकट की घोषणा कर दी है, वह भी पूरी तरह हुण फील्ड के विच आणगे और काफ़ी देर तो अपना वर्कआउट कर रहे हैं, एजुकेटेड परसन ने और अच्छा उन्होंने अपना प्रभाव भी है इस एरिए यानी कि फलोर सब डिवीजन के। हुण दूसरे पासे टिकटां की जी हैगी वंड कह रहे हो कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी पिछली बारी भी बहुत लेट इन्होंने कैंडीडेट घोषित किया जिदे करके इन्हों खता खानी पई सी, ये लेट ही घोषणा कर रहा, अगर टाइम सिर घोषणा नहीं करते अपने किस कैंडीडेट की, चाहे कोई भी है कैंडीडेट कोई भी हो, बिक्रम चौधरी जी हो, सरवन सिंह फलोर हो, यशपाल गिंडा जी हो, अमृत भोंसले हो, होर कोई भी कैंडीडेट जोड़े अठ कैंडीडेट उन्होंने ना किए हैं, किसी ने भी टिकट नहीं घोषणा ही कर सकते हैं, अगर टाइम सिर घोषणा नहीं करते तो उन्ना ही नुकसान कांग्रेस पार्टी में भी हो जा रहा, क्योंकि अगर टाइम सिर अज जिस तरह बिक्रम चौधरी है पिंड तो पिंड जा रहे हैं, ठीक है जी, दूसरे पास सरवन सिंह फलोर है जिन्हों का बैकग्राउंड बादल की सरकार के वक्त अठ महकमे से उन्होंने कोल और बड़ा अच्छा उन्होंने बैकग्राउंड सगा, वह भी फील्ड के बच्चे ने, वह भी टिकट की दावादार है कांग्रेस को, पर कांग्रेस पार्टी को जिनी जल्दी हो सकता अपनी सीटा की घोषणा करनी जरूरी है कि जोड़ा भी कैंडीडेट की घोषणा की जाती है वो अपना काम वर्कआउट प्रॉपरली कर सके। और दूसरे पास भाजपा भी बहुत पिछे आ जी इस मामले, चाहे भाजपा पंजाब बड़ी तेजी नाल उभर रही है काफ़ी मुद्दों के उपर हो आ रही है, जिस तरह रौला सी कि 26 तरीक शायद PM पंजाब आन से बड़िया घोषणावान हो सकदियां हन, उसे चीज़ रोकया गया है क्योंकि उन्होंने घोषणा तो बाद ही चोन जाबता जो लगेगा। तीसरे पास आम पार्टी भी है, आम पार्टी के अरविंद केजरीवाल पिछले काफ़ी लंबे समय तो लगातार पंजाब को गरंटियां गरंटियां दे रहे हैं, बिल्कुल किन्निया को अगे जाके सफल होंदिया ने यह भी देखने वाली गल है कि गरंटियां जिदा 1000 रुपया महिलावान हर महीने दिता जाएगा
ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲੋਂ ਕੁਛ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈ ਐਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ CM ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨੈਕਸਟ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ 'ਚ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਪਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਪਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਮਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 32 ਜਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਗਲਾ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖੇ ਸਧਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਣਾ ਵੀ ਫਲੋਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕੀ 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਕੋਨਾ ਜਾਂ 4 ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 5-6 ਕੋਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਂਦ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਘਟੇਗੀ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਘਟੇਗੀ, ਕੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਘਟੇਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਘਟੇਗੀ, ਕਿਹਦੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਧੇਗੀ? ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ
चर्चा का विषय बनाते हैं तो वो बिल्कुल इदा ही साढ़िया भी गोल मोल गल करते हैं कि अजे असी क्लीयर नहीं है कि वोट किनू पानी है। पर एक क्लीयर है गल कि 2022 के इलैक्शन बड़े इंट्रस्टिंग होने वाले। एक गल होर भी है जे गल करिए आप हम फ्लोर के मुद्दे पर आ रही है फ्लोर के बहते जो बिगल बजे जिमें आप गल की है भी कई टिकटा तो दावेदार आ जे फ्लोर की गल करिए लगता है पिछले 5-10 साल कि फ्लोर के विकास होया विकास के नाम से तो हर बार जी पार्टियां विकास के नाम से इलैक्शन लड़दिया ने पर विकास तुम देखो शहर के अजे इन्ना कुछ नज़र नहीं आया। मेरे ख्याल मई के जी नगर कौंसल बनी थी गठित हुई थी उस तो बाद कई मते मुते पास भी किए इन्होंने जिन्हें जी कैमरिया वाला भी इसका मता कि कैमरे सिक्योरिटी परपज लिए लगाए जाएंगे। फ्लोर एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है गांधी धाम जिते पिछले चौधरी साहब ने नींह पत्थर रखे तो उत्थे भी एक डिवेलपमेंट का प्रोजेक्ट हैगा कि बड़ा अच्छा उन्हों सुंदरता वो बनाई जाएगी कि काफ़ी देर तो वो बारे अनगोलिया हो रहा इदा के जानी कि प्रोजेक्ट तो काफ़ी आए लाए ने पर अजे की कहें पिक्चर नहीं आ रहे अजे उन्होंने अच्छे वर्क नहीं हो रहा उभर के जानी के सामने नहीं आ रहे। हाँ उभर के सामने नहीं आ रहे कि अरे जिदा मर्ज मान लो उन्हें टेंडर लेट हो रहे हैं जो उन्होंने कोई अगर ठेकेदार नहीं आ रहे जिदा कैमरिया का भी गल परसों गल हो रही थी कैमरिया बारे पूछा जा रहा है कि वो टेंडर के उपर कोई उन्होंने रिस्पोंस नहीं मिल रहा कि कोई बदला रिस्पोंस नहीं दे रहा टेंडर के जिम्मे जिक रिस्पोंस नहीं होगा उन्होंने जिक्र कैमरे लाने कौन पीड़ चाहेगा अगर कैमरे लगाने नहीं। उस तो अलावा सब तो वो फ्लोर की समस्या पार्क की है फ्लोर शहर बच्चों के खेलने में कोई पार्क नहीं हर बारी सरकार आदि ने और वादा किया जाता और कि फ्लोर से अभी कोई ना कोई पार्क देंगे पर जगह ही है नहीं पार्क कितने देंगे। बिल्कुल जो गल करिए जगह नहीं है जगह नहीं है जगह दी जाए कोई जगह अच्छा ही बनाई है पिछले जानी कि ट्यूबवैल नंबर 3 के कोल भी पार्क का प्रोजेक्ट है बिल्कुल उत्थे भी एक छोटा क्योंकि वो एरिए थोड़ा जहा बैकवर्ड एरिया पिछड़े एरिया से उत्थे भी चौधरी साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी कि पार्क बनाई जाएंगे पर उत्थे वर्क नहीं है चाहे उत्थे जगह बहुत वधिया सी पार्क बन सकती थी। इस तो अलावा अगर मैं होर देखा कहना चाहवा कि फ्लोर शहर के अगर बस स्टैंड साढ़े लेडीज रात के टाइम से 6 बजे तो बाद सर्दियों और गर्मियों 7:30 तो बाद बस स्टैंड तो पैदल अगर उन्होंने शहर वालू आना पवे या रिक्शे जाना पे तो किसी की बाली लत्थी होंगी है तो किसी की झैनी लत्थी होंगी है। ये भी मैं थोड़े नाल गल कर लैंना पिछले एक ही शो के गलबात की सानू कई सारे हैगे पत्रकार जा फ्लोर लाइव का ला लो जा तुसी भी जर्नलिस्ट आ थानू भी कई लोगों के फोन आते हो भी सानू जिहड़ा इह समस्या का सामना करना पै रहा खास करके सैफाबाद के क्रिमका फैक्टरी है उत्थे कुछ लेडीज काम कर दी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने उधरों लंघते हुए जखीरा पैंदा एक जंगल टाइप घना जंगल आ भी उत्थे वह डरदियाँ भी शाम को हुण मौसम भी जिहड़े इदां दे आ पर उत्थे भी जिहड़ा PCR का कोई भी इस वेले जिहड़ा पुलिस मुलाजम नहीं दिखाई दिता जांदा क्योंकि आने वाले टाइम दे विच जे गल करिए लॉ एंड एंड ऑर्डर की तो फ्लोर दे विच किते ना किते वह भी बिल्कुल महिलावां की सुरक्षा हर पार्टी का पहला इशू रखती है पर जो सुरक्षा की बारी आती है तो उत्थे वह थोड़ा जिहा अपने आप को सामने प्रजेंट नहीं कर पा रहे जिस तरह मैं दस रहा कि बस स्टैंड तो सैफाबाद वाली क्रिमका फैक्ट्री बहुत सारिया लेडीज फ्लोर को जाए एक्चुअली उस रस्ते एक जखीरा आता जखीरे करके लोगों को दिक्कत आती है उस जगह तो खूह होंगी है कुछ ना कुछ होया जाता है। असी अगे भी एक दो बार प्रशासन को मांग की अगर शाम के टाइम से उसे 2 PCR मोटरसाइकिल PCR उन्होंने खत्म कर दी है वैसे ही 2 मोटरसाइकिल से मुलाजिम गेड़ा 2 ला दें तो सुरक्षा की जी लेडीज होंगी है ना कि ठीक है जी अभी सुरक्षित हाँ अभी जा सकते हैं सू कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल तो हम आने वाले समय के जोड़ा चोन प्रचार आ उन्होंने भी मैंने लगता भी कित ना कित जिमें बम ब्लास्ट होया कित ना कित हलाशेरी मिलती हुई वो पिछे न भी बधेगा कि इतने ही रात रुक जाएगा नहीं किस तरह पुलिस ने भी इस प्रशंसा की करनी पड़ेगी कि पुलिस ने 24 घंटे के इस मामले में ट्रेस कर लिया बहुत वही गल है बहुत वही अचीवमेंट है असी पंजाब पुलिस की इस अचीवमेंट में भी अच्छा मानते हैं पर यह चोणों से कोई जल्दी असर नहीं होता क्योंकि हर बार जो चोणा होंदिया ने तुम देखिए वैसट बंगाल चोणा हुई कई कुछ होया पर जो चोन प्रचार हों आप एक बार जो शुरू होता जिदा लगता है कि 26 या 28 तरीक में चोन जापता लग सकता है पंजाब चोन जापता लगन तो बाद जो कमांड जी
पुलिस के हाथ आ जाती है। उस तो बाद पुलिस की जिम्मेवारी होंगी है कि जिहड़ियां रैलियां ने जां चुनाव छोटियां नुक्कड़ सभा उन्हां नूं सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और जिहड़े कैंडीडेट ने उन्हां नूं सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए लगता नहीं कि चोन प्रचार के उपर इस बंब ब्लास्ट का कोई ये मेरा पुछण का एक कारण सीगा। शर्मा जी जे गल करिए पिछले दिनों दे विच काफ़ी एरिए दे विच गल करिए हरियाणे दे विच आ जाओ यूपी दे विच आ जाओ तो हुण जिहड़ा पंजाब दे विच भी 144 का जिहड़ा डंका बजना शुरू हो चुका है भी जी 144 धारा जी लगनी कई राज्यों के शुरू कर दिती है भी थानू की लगता इस हिसाब न भी अगर 144 धारा जो लगती है किसी प्रॉब्लम के करके तो उस तो बाद लेट हो सकते हैं कि नहीं? नहीं वो एक प्रशासन एक की कहने प्रकॉशनल तौर पर इन 144 धारा लगा कि लोगों कट्ठे होने तो रोकया जा सके। जिस तरह एक होर बड़ा अजक एक एमीक्रोन जोड़ा आ वायरस जिदा बड़ी तेजी आ रहा जिस तरह अज मैं सुन रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मैं ख्याल नाइट करफ्यू लगा दिता है 11 तो लैके 5 बजे तक चंडीगढ़ भी हो गया और हरियाणा भी नाइट करफ्यू की घोषणा जी उन्होंने कर दी गई है। वो इस चीज़ों जोड़ा प्रशासन आ बड़ा स्ट्रोंगली लगा कि चाहे जी योजा कोई वायरस है जिस तरह पिछले कोरोना नाल काफ़ी देर अपना बिजनेस भी ठप रहे और लोग घर कैद भी रहे कि वो इस चीज़ को अवॉइड कर ले कि लोग एक जगह पर ज़्यादा इकट्ठे ना हो। दूसरा वड्डियां रैलियां ना कीतियां जाण जां कुछ इस तरह का हो जिथे ये स्प्रैड हो सके ये भी प्रकोशन हो सकता। और दूसरी सिक्योरिटी पर्सन कि जिथे ज़्यादा पर्सन होंगे उत्थे कुछ ना कुछ हल्ला गुला हो सकता उन्होंने प्रशासन उन्होंने निगाह च रख दे ना। इस तरह के जोड़े है छोटे छोटे स्टैप जरूर लेंदा जिन्हें लोगों के एक सिक्योरिटी की भावना बनी सुरक्षा की भावना बनी रहे कि प्रशासन का साढ़े वाल ध्यान है तो प्रशासन साढ़े ध्यान रख रहा। हम लास्ट के यही कहना भी आने वाले समय के कोई भी चोन मैदान के आए जाने के उसनों आँदे नूं जिहड़ा फलोर के विकास कार्जा वाल जिहड़ा खासा ध्यान देने की लोड़ है। बिल्कुल फलोर विकास वालों पिछड़िया होया कोई वड्डी इंडस्ट्री है नहीं फलोर दे विच ठीक है जी। पहला इत्थे महाराजा रणजीत सिंह जी नाल नगरी वसाण की गल की गई थी वह भी मुद्दा विचे रह गया। उस तो बाद कोच फैक्टरी जो कपूरथला लगी आ फलोर च पास हुई वह भी इतों शिफ्ट करके उत्थे चली गई। असी जिहड़े आने वाले साडे नुमाइंदे जिस तरह एम पी साहब की सीट सी फलोर तो फलोर एक एम पी की सीट से बड़ा वड्डा सीगा कि जो दिल्ली च कोई आवाज आती थी उस फलोर का भी ना आता है पार्लीमेंट च फलोर का भी ना आता है कि फलोर तो एम पी और वह भी खत्म कर दी गई और कोई किसी ने आवाज नहीं चकी। हुण जे देखा जाए इंडस्ट्री वाले पासे तो इंडस्ट्री लगनी बहुत जरूरी है। अगर इंडस्ट्री होएगी बच्चों को काम मिलेगा तो बच्चे बाहर जाने तो बाहर आएंगे। बच्चे क्यों बाहर जाते हैं मजबूरी क्योंकि इतने रोजगार नहीं है। पर जे गल करिए सरकार वालों इंडस्ट्री की गल घट की जाती है उन्होंने वालों आटा दाल स्कीम की या 2-2 हज़ार रुपए की या 1000-1000 रुपए की गल जी ज्यादा लोगों की जाती है। वो सर आटा दाल स्कीम जोकों लोग भुआने जोड़े होंगे स्लोगन जोड़े जिदा 15 लाख हर खाते जाएगा इदा स्लोगन जी पार्टियां इलैक्शन के टाइम से बहुत कहदियां ने और पर तुसी देखिया हुण लोग भी जिहड़े ने सियाने हो चुके ने। तुसी देखो पिंडा च लोग जदों एस पी दी अनाउंसमेंट हुंदी है लोकी कहिंदे भाई सानूं नौकरी दिओ सानूं आटा दाल स्कीम नहीं चाहिदी हैगी आटा दाल तां आपे लावांगे बिलकुल जो सानूं पैसे कमावांगे आटा दाल लैवांगे सानूं आटे दाल नहीं चाहिए सानूं नौकरी दिओ ते इक रोजगार लगीए काम करिए पैसे कमाइए ते अपना घर वसाइए। ये सन साढ़े नाल अज स्टूडियो दे विच पहुंचे है डेली पोस्ट तो सीनियर पत्रकार नरेश शर्मा जी इन्हां नाल असीं विचार वटांदरा कीता ते फलोर के मुद्दे पर गलबात की आने वाले समय के एक नवा मुद्दा लेके फिर थोड़े रूबरू होवांगे। तद तक दे दियो इजाजत सत श्री अकाल जी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।